छठी जेपीएससी का जो मुद्दा था जिसपे माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच के द्वारा जो फैसला आया वो हमारे पक्ष में आया है, जिसमें जेपीएससी के द्वारा जो क्वालिफाइंग पेपर था जिसे मेरिट में जोड़ दिया गया था नियम के विरुद्ध, और दूसरी बात थी कि प्रत्येक जीएस पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्टेड हैं जिनका 40% नहीं था, उनको भी मेरिट में जोड़ दिया गया था आयोग के द्वारा। और इसी दोनों मुद्दे को लेकर के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपील किए थे, जिसमें कि सिंगल बेंच के द्वारा हमारे पक्ष पे फैसला आया था और इसके बाद पुनः डबल बेंच में नियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा अपील की गई, जिसके अगेंस्ट पुनः हमारे पक्ष में ही फैसला आज आया है माननीय हाई कोर्ट डबल बेंच के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था जिसमें क्वालिफाइंग पेपर को नहीं जोड़ना था और मिनिमम जो 40% मार्क्स लाना था उसको बरकरार रखना था, इसको लागू किया जाए। देखिए, अगर उन अभ्यर्थियों की बात की जाए तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में न्यायपालिका का एक पद सोपान है। हम लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो चूंकि सिंगल बेंच और डबल बेंच से हमारे पक्ष में फैसला आया, चूंकि हमारे जो नियम थे हमारे पक्ष में थे सब कुछ, तो अब उनके द्वारा ये किया जाएगा कि हमारे जो फैसले हैं उसके अगेंस्ट में उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं, उनके लिए दरवाज़ा खुला है। क्या आप भी जाएंगे? हम क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारे पक्ष में तो फैसला आया है, अब तो वो जाएंगे। जी, अपना पूरा परिचय। मेरा नाम प्रदीप राम है, छठी जेपीएससी का मैं अभ्यर्थी हूँ, याचिका करना। यस, ये चिकन से लड़ाई जो था ये 2020 से छठी जेपीएससी की जो मेरिट था उस 2020 से हम लोग लड़ रहे थे, और ये जो न्यायालय के प्रति जो विश्वास था वो जगह है, छात्रों को उम्मीद बढ़ा कि न्यायालय कहीं कहीं छात्रों के प्रति जो पीड़ा दर्द था वो समझा। और चूँकि हम लोग सरकार और जेपीएससी को भी पीड़ा बताए थे, सरकार को भी एक सावधान किए कि ये गलत किया गया है, इंडिया में कहीं भी ऐसा कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है कि क्वालिफाइंग पेपर जोड़ के मेरिट बनाना, और जो हर एक पेपर में न्यूनतम हर्तांक 40% लानी थी लेकिन वो भी पालन नहीं किया। जैसे कि अगर पॉलिटिकल सब एक राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, अगर राजनीतिक विज्ञान में फेल है उसको भी बना दिया गया प्रशासनिक अधिकार, जो अर्थशास्त्र में भी मिनिमम हर्तांक नहीं पालन किया उसको भी बना दिया। तो कहीं कहीं जेपीएससी और सरकार ये दोनों मिल के ये बहुत बड़ा अनियमितता की थी, तो इसके लेके हम लोग न्यायालय के गए थे और न्यायालय में कहीं कहीं जीत मिला है और जो नियुक्त अधिकारी हैं उसको बाहर किए जाएंगे। जेपीएससी पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी सिंगल बेंच छठी जेपीएससी आया था उसमें साफ कोर्ट का आदेश है कि जो दोषी अधिकारियों द्वारा जो अनियमितता बरती गई वो दंडित किया जाए, और ये सरकार हमेशा संरक्षण देती है जो दोषी अधिकारी हो, तो कहीं कहीं ये जब अधिकारियों को दोषी नहीं दिया जाता है या उस पर सजा नहीं दी जाती तो कहीं कहीं अगला भी अधिकारी गलती करते चला आ रहा है, ये परंपरा फर्स्ट जेपीएससी से चला आ रहा है। तो कहीं कहें जो अगर जेपीएससी में अधिकारी जो ऐसा गलती करते हैं तो सरकार द्वारा कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, तभी जाके जेपीएससी उतरी। एक विकल्प हम लोग मांग कर रहे हैं, जेपीएससी विवादों में शुरू से ही रहा, तो कहीं कहें ये राज्य सरकार इसको बेसिक दे दे, बेसिक स्वतः इसको लेकर अच्छा परीक्षा करवाए। उमेश प्रसाद अभ्यर्थी। ये मामला छठी जेपीएससी का लंबे समय से चल रहा है और ऑनरेबल सिंगल बेंच झारखंड हाईकोर्ट के सामने फैसला पहले आ चुका था, उसमें मूलतः 6 जेपीएससी में जो अपॉइंटमेंट्स हुई है और उससे पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था उस पर आपत्ति की गई थी, और ये कहा गया था कि जेपीएससी के द्वारा और उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया वो गलत है, क्योंकि पेपर वन जो था हिंदी अंग्रेजी का वो क्वालिफाइंग पेपर था, उसके मार्क्स जो हैं वो 30 अंक के ज़्यादा जो मार्क्स थे वो मेरिट के लिए नहीं जोड़ा जाना था। उसी तरह से क्लॉज 13 जो थी वो विभिन्न रिजर्व कैटेगरीज के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया था उसको पीटी और मेंस दोनों में समान रूप से लागू होना था। जेपीएससी का खुद का स्टैंड भी यही था प्रिलिमिनरी की परीक्षा जब हुई थी कि वो जो मार्क्स है निर्धारित विभिन्न वर्गों के लिए वो इंडिविजुअल पेपर के मुताबिक जज किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट को प्रत्येक पेपर में परीक्षा पास करनी होगी और क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। जब मेंस के रिजल्ट निकले तो इस शर्त को जो है बदल दिया गया और गैरवाजिब तरीके से ऐसे लोगों को लाभ मिला
जो किसी एक पेपर में या दो पेपर में फेल थे, या क्वालिफाइंग मार्क्स जो हिंदी अंग्रेजी का है उस पेपर में उनको 70 80 या उससे भी अधिक मार्क्स प्राप्त हुए थे। तो ये वास्तव में इस प्रकार की कार्रवाई से और गलत निर्णय से जो है वो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पीछे रह गए और उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। और वैसे अभ्यर्थी जिनको इन दोनों शर्तों को गलत तरीके से लागू करने से लाभ मिला है, उनकी नियुक्ति हो गई। तो ऑनरेबल सिंगल जज ने काफ़ी कड़ा आदेश लगभग 70-72 पेजेस का दिया था और ये भी कहा था कि जिनके भी वजह से गलतियां हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये काफ़ी गंभीर आदेश था और इस आदेश के ऊपर में अपील जो लंबित थी माननीय डिवीज़न बेंच के सामने में, डिवीज़न बेंच ने भी हर एक बिंदु पर सुनवाई की थी। और हमारी ओर से ये कहा गया कि यदि गलत हुआ है तो किसी भी वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। और ऑनरेबल सिंगल जज के जजमेंट के सपोर्ट में बहस हमारे द्वारा की गई थी। ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने आज यही कहा है अपने आदेश में कि ऑनरेबल सिंगल बेंच के आदेश में किसी तरह के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है और जो आदेश दिया गया है ऑलरेडी वही लागू होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये रिजल्ट जो पिछली बार 6ठी JPSC का निकला था वो रद्द होगा और जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो रद्द होंगी एक तरह से। और जो भी करेक्शंस हैं वो कर करके राज्य सरकार को JPSC से रिकमेंडेशन मंगवा करके नियुक्तियों को फिर से करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि वैसे अभ्यर्थी जो न्यायालय पे भरोसा कर रहे थे उनको आज बहुत बड़ा न्याय का निर्णय मिला है। आई होप दे विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड। सर लेकिन जो 326 अभ्यर्थी हैं जो, देखिए अगर गलत तरीके से आपकी नियुक्ति होती है तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। ये मैं मानता हूँ कि इन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, गलती JPSC के स्तर से या सरकार के स्तर से हुई, परंतु गलती तो गलती है और कानून जब इक्वली लागू होना है, तरीके से लागू होना है, तो यदि वो नौकरी से हटाए भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको शिकायत होनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी गैरवाजिब तरीके से बाहर रह गए थे उनको वास्तव में नियुक्त होना भी चाहिए था। और न्याय जो है वो यही कहता है, न्यायालय ने न्याय किया है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।